नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। न्यूज रूम से हमारे सहयोगी सुमित शर्मा भी लगातार जुड़े हुए, खास खबरों को लेकर जानकारी पहुंचाएंगे। सबसे पहले दमोह से शुरुआत करेंगे। बड़ी खबर सामने आ रही, गंगा जमुना स्कूल मामले को लेकर संचालकों के ठिकानों पर प्रशासन की तरफ से सख्त कार्रवाई की गई है। प्रशासन की टीम गंगा जमुना दाल मिल पहुंची, भंडारण समेत अन्य मामलों में कार्रवाई लगातार चल रही है। एसडीएम समेत पुलिस बल मौके पर मौजूद है। दमोह मामले को लेकर एक और बड़ा अपडेट जो कि सामने आया है, गंगा जमुना स्कूल मामला जिसे लेकर संचालकों के ठिकानों पर प्रशासन की कार्रवाई देखने को मिल रही है। संचालकों के घरों पर दाल मिल पर प्रशासन की टीम एक साथ दबिश देने के लिए पहुंची। भंडारण समेत अन्य मामलों को लेकर यह कार्रवाई लगातार चल रही है। एसडीएम समेत पुलिस बल मौके पर मौजूद है और ये जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है कि जितने भी दावे किए गए उसमें कितनी सच्चाई है। सहयोगी आशीष ज्यादा जानकारी देंगे। आशीष, क्या कुछ कार्रवाई को लेकर अपडेट अभी तक? अनिश्चित ही, लगातार जो 10 दिनों से गंगा जमुना स्कूल का विवाद चल रहा है तो उसको लेकर के अब उनके ठिकानों पर भी पुलिस के द्वारा, पुलिस की मौजूदगी में एसडीएम और आयकर विभाग की टीमों के द्वारा दबिश दी गई है। गंगा जमुना स्कूल की दाल मिल पर ये छापा अभी मार कार्रवाई की गई है, जहां पर प्रशासन की टीमें मौजूद है। यहां पर भंडारण को लेकर के पूरा एनालिसिस किया जा रहा है और इसको लेकर के पूरी तरह से जानकारी को एकत्रित किया जाएगा। हालांकि जो संचालक जिनके नाम पर वो मिल चलती है वो मौके पर मौजूद नहीं मिले टीम को और इसको लेकर के भंडारण को लेकर पूरी जांच की जा रही है। मालूम हो कि विवाद पोस्टर से शुरू हुआ और लगातार अब उनके ठिकानों पर कार्रवाई की जा रही है, अन्य ठिकानों पर भी कार्रवाई है। तो यहाँ पर दाल मिल पर ये कार्रवाई की गई है और यहाँ पर पूरी तरह से टीमें बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर पूरे स्टॉक की जाँच कर रही है। देखते हैं इस मामले में और क्या आगे खुलासा होता है। चलिए, देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया आपका आशीष इस पूरी जानकारी के लिए। तो आप देख रहे हैं गंगा जमुना स्कूल जिसे लेकर तमाम बड़े खुलासे भी और अब एक एक कर कार्रवाई का सिलसिला भी आगे बढ़ता हुआ। दमोह से जानकारी सामने आ रही है कि एक बार फिर से संचालकों के खिलाफ ये विरोध कार्रवाई, जिसमें ये माना जा रहा है कि संचालकों के ठिकानों और राइस मिल पर यह कार्रवाई की गई। आगे बढ़ते हैं। दमोह के गंगा जमुना स्कूल पर हुए एक्शन को लेकर ओवैसी का बयान सामने आया है। एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने इस एक्शन को, इस कार्रवाई को, स्कूल पर हुई कार्रवाई को गलत बताया है। उनका कहना है कि बीजेपी को मुसलमानों और हिजाब से नफरत है और इसी को लेकर ये कार्रवाई हुई है। एसपी कलेक्टर की रिपोर्ट को भी ओवैसी ने नकार दिया। मध्य प्रदेश में दामोह एक जिला, प्रदेश में दामोह एक जिला है, वहां पर एक गंगा जमुना स्कूल है। इस स्कूल ने इश्तिहार दिया कि हमारे पास इतने बच्चियां पास हो गए आला दर्जात में। एक बच्ची की फोटो थी दुपट्टा डाले हुए, तो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का बयान आ गया, मैं अपनी भतीजियों और भांजियों पर जबरदस्ती हिजाब डालने की मुखालिफत करता हूं। गंगा जमुना स्कूल में पहुंच के उसका एफिलिएशन कैंसिल कर दी बीजेपी ने। फिर कलेक्टर को बोले, दामों के कलेक्टर गए, कलेक्टर जाकर देखे तो मालूम हुआ कि ऐसा कोई जबरदस्ती है ही नहीं। किसी को हिजाब निकाब या दुपट्टा का प्रेशर ही नहीं है। कलेक्टर ने ट्वीट किया कि सब बकवास है, झूठ है। एसपी ने कहा कि झूठ है वहां के सुपरिटेंडेंट पुलिस ने, मगर उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री बोले नहीं कुछ तो है। उसके बाद क्या हुआ कि वहां पर उस जिले के बीजेपी के सदर ने, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जब अपने ऑफिस को जा रहा था तो उसके मुंह पर काली इंक फेंक दी कि तूने सही रिपोर्ट नहीं दी, वहां पर बच्चियों को, हिंदू बच्चियों को हिजाब पहनाया जा रहा है। कलेक्टर बोल रहा है, एसपी बोल रहा है, मगर नफरत है मुसलमानों से। वहीं ओवैसी के बयान पर गृहमंत्री अमित शाह ने अपनी प्रतिक्रिया दी, पलटवार किया। उनका कहना है कि मध्य प्रदेश में धर्मांतरण का कोई भी कुचक्र नहीं चलने दिया जाएगा, ये ओवैसी की पीड़ा है, इसे ही जिहादी मानसिकता कहते हैं। ओवैसी ने साक्षी और श्रद्धा के बारे में एक भी बात नहीं कही है।
दमोह के इस मामले में हर तरह की जांच हो रही है, ये कहा है नरोत्तम मिश्रा ने। धर्मांतरण का कोई भी कुचक्र होगा वो मध्य प्रदेश में नहीं चलने दिया जाएगा। ओबीसी जी को आपने साक्षी पे तो बोलते सुना नहीं होगा, इतनी लंबी तकरीर वो दमोह पे कर रहे हैं, साक्षी पे उनने एक भी इतनी लंबी तकरीर नहीं की, न साक्षी पे की कभी, न श्रद्धा पे की कभी, लेकिन इस पर जरूर करते हैं। उनकी ये पीड़ा है और मानसिकता जिहादी इसी को कहलाते हैं। जातिगत राजनीति करते दमोह के अंदर हमने पासपोर्ट की जांच के लिए बोल दिया है, दमोह के अंदर वो कब विदेश गए कब आए ये बोला है, और क्या क्या इस संबंध में कार्रवाई हो सकती है सारी कार्रवाई के निर्देश एसपी कलेक्टर को दिए जा चुके हैं। तो वहीं इस मामले को लेकर प्रियंका कानूनगो का ट्वीट भी सामने आया है। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो ने ट्वीट करते हुए सरकार को आगाह किया है इस मसले को लेकर। आपको बता दें गंगा जमुना स्कूल के मामले में आगाह किया है प्रियंका कानूनगो ने सरकार को। संचालकों के समर्थन में जुलूस निकालने की खबर है, प्रियंका ऐसा कहते हैं। और आगे कहते हैं कि जुमे की नमाज के बाद जुलूस निकालने की खबर है, अराजक तत्वों का जमावड़ा हो सकता है, इसमें FIR वापस लेने के लिए दबाव बनाया जा सकता है। सोशल मीडिया पर तेजी से उनका ये ट्वीट वायरल हो रहा है। वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता ने ओवैसी और बीजेपी पर निशाना साधा है। उनका यह कहना है कि कुछ लोग विभाजन की राजनीति कर रहे हैं। कि मध्य प्रदेश में भगवान के लोक में जो मानव लोक के लोगों ने भ्रष्टाचार किया है उसके बारे में सरकार क्यों नहीं बात करती, उसका जवाब। आगे बढ़ते हैं। छतरपुर से अगली बड़ी खबर है जहां कांग्रेस विधायक की फैक्ट्री पर जीएसटी की टीम का छापा पड़ा है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। विधायक की खजुराहो मिनरल्स पर छापामार कार्रवाई जीएसटी टीम की तरफ से। आलोक चतुर्वेदी छतरपुर विधायक हैं। सतना और जबलपुर की टीमें यहां पर लगातार जांच कर रही हैं। कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद, चूंकि जीएसटी की टीम यहां पर पहुंची है, हो सकता है कि कर को लेकर हेराफेरी का मामला हो। हालांकि अभी तक कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आ पाई कि खुलासे किस ओर इशारा करते हैं। विधायक बताए जा रहे हैं जो कि खजुराहो मिल्स के मालिक भी हैं, छापामार कार्रवाई के लिए चल रही है यहां पर। आलोक चतुर्वेदी छतरपुर विधायक, सत्ता और जबलपुर की टीमें यहां पर लगातार जांच में जुटी हुई हैं। बताया जा रहा है कि कांग्रेस विधायक हैं ये, फैक्ट्री पर जीएसटी का छापा पड़ा इनकी। सूत्रों के हवाले से जानकारी कि मिनरल्स की ये पूरी फैक्ट्री है जहां पर छापामार कार्रवाई लगातार जारी है। सतना और जबलपुर की टीम यहां पर पहुंची, दबिश दी गई, दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। सहयोगी नरेंद्र से हम ज्यादा जानकारी लेंगे। नरेंद्र, क्या कुछ जानकारी इस कार्रवाई को लेकर? देखिए अवंतिका, यहां पर हम ये बता देना चाहते हैं कि छतरपुर विधानसभा के जो विधायक हैं आलोक चतुर्वेदी उर्फ पज्जन भैया, जो छतरपुर विधानसभा से विधायक हैं, वो कांग्रेस पार्टी से विधायक हैं। इनकी जो फर्म है खजुराहो मिनरल्स करके जो फैक्ट्री है, वहां पर सेंट्रल जीएसटी की टीम है, उसने छापा मारा है। छापामार कार्रवाई में ऐसा उनको जानकारी लगी थी सेंट्रल जीएसटी की टीम को कि कहीं ना कहीं यहां पर टैक्स की चोरी की जा रही है, जिसके मद्देनजर यहां पर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम यहां पर दिया जा रहा है। और दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि इनकी जो फर्म है, जो छतरपुर विधायक आलोक चतुर्वेदी है, इनकी खजुराहो मिनरल्स करके जो फर्म है और खजुराहो स्टोन करके जो फर्म है, इनके द्वारा तेल कंपनियां बनाकर कुछ गड़बड़ी करने की शिकायतें सेंट्रल जीएसटी को मिली थी, जिसके मद्देनजर छापेमार की कार्रवाई की गई है। सूत्रों के हवाले से फिलहाल यही खबर मिल रही है। चलिए देखना होगा क्या कुछ खुलासे होते हैं। शुक्रिया आपका नरेंद्र जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे दौर की, जहां पंडोखर सरकार ने एक बार फिर से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ एक बयान दिया है। उनकी तरफ से निशाना साधा गया। आप कहा कि आज 500 लोग पर्चा बनाते हैं, बैगन बेचने वाले तक शामिल हैं इनमें।
इन्होंने कोई साधना नहीं की है, एडवांस में 10,000 पर्चे लिखकर लाए हैं। पंडोकर सरकार ने दावा किया है कि दरबार में बताऊंगा कि एमपी में किसकी सरकार बनेगी। आभा बनाकर खेल खेल में लोगों को चमत्कार दिखा। दरबार लगाया है उनके लिए पंडितों का काम है। जब इंदौर के व्यक्ति नंबर आएंगे तो एक दूसरे को पता होता है कि चीज क्या समस्या है, वही पे समाप्त हो जाता है। आप देखिए एक दरबार में 5-5 पर्ची बनती है, 10-10 पर्ची बनती है, करोड़ों रुपए खर्च होता है, क्या है? बस मैं इतना लेकर अपनी वाणी को भर देता हूँ, जिससे साफ आप सबका खुशी होगा, मैं उत्तर दूंगा। एक बार जिन दिन भी आप लोग पर्चे बनाने की बात कर रहे हैं, 506 लोग हो गए, 506 लोगों की वीडियो घर जाके देख लेना, अच्छे से देखोगे आपको पता लग जाएगा कि ये पर्चा लिख कैसे गए। और नहीं तो आप स्क्रीन चलवा देना, जिसको हाईवे आप समझते हो, जिसको अच्छे से समझ लो कि ये पर्चा बनाता है, उसमें चाहे हम हो और कोई भी हो, आप दोनों वीडियो को चलाइए। जिसके साथ वो हमारा मुकाबला करना चाहते हो, जिस पर्चे लिखने वाले से करना चाहते हो, एक मिनट में भी नकाब कर दिया जाएगा, एक से दूसरा मिनट नहीं दूंगा। और 24 घंटे में पर्चे लिखने वाले को पता नहीं पड़ेगा कहां चले गए, क्योंकि आपसे भेज भी बोला कि मीडिया आ गया कि मुझे बनाओ पता है, आज हमारे भगवान चले गए उनके भगवान। 5,00,000 भी मंत्र का जाप करना तो भी नहीं आगे, क्योंकि उन्होंने साधना नहीं की, जप नहीं की, अनुष्ठान नहीं किया, औरा बनाया है। और उस औरा के खेल खेल में आप लोगों को चमत्कार। भोपाल से खबर है जहां पर कांग्रेस नेताओं पर हमला का मामला है और पार्किंग को लेकर विवाद हुआ था, दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने और कार्रवाई जारी है। दोनों पक्षों की तरफ से काउंटर FIR दर्ज हुई है, मारपीट का मामला दर्ज किया गया है। युवकों के PFI सदस्य होने के आरोप पर पुलिस का बयान सामने आया है। SI कहते हैं कि अभी इस तरह का कोई मामला सामने नहीं आया है। जांच जारी। दो लोग जो जिन्होंने मारपीट की थी, अभी यासिर और तोहित दो व्यक्ति हैं जिनको अभी हिरासत में। सविस्ता चेक, उनके पति की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि ये PFI के सदस्य रहे हैं और इनको इन पर भी FIR हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं दबाव के चलते या पुलिस के चलते उनको बाहर किया गया है। इस संबंध में अभी कोई जानकारी नहीं मिली PFI के संबंध में। वहीं संस्कार धाई जबलपुर में एक बार फिर से बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली है। सटोरियों के मकानों को जमींदोज किया गया है, प्रशासन की तरफ से ये कार्रवाई हुई थी और इन सटोरियों पर 40 से ज़्यादा मामले दर्ज थे। सटोरिये के अवैध दो मंजिला मकान पर कार्रवाई हुई, 2 करोड़ रुपए की काली कमाई से मकान इसने बना रखा था। साल 2002 से लगातार सक्रिय हैं आरोपी। हनुमान ताल में पुलिस और जिला प्रशासन ने संयुक्त कार्रवाई की। और अब देखिए 25 सेकंड में खबर।